लाइफ में बहुत सीरियस होने का कोई मतलब नहीं है। जिंदगी में दो बंदे होते हैं, हमारा एक सीनियर थे, हमारा नहीं, हमारे एक सीनियर थे 2008 के आईआईटी के टॉपर, बंसल क्लासेस में पढ़ते थे, सिद्धिकांत नाम था उनका। वो ऐसा बंदा था, वो सिर्फ टेस्ट देने जाता था और दिन भर मैच खेलता था, बिहार का रहने वाला। उससे ज्यादा मैंने बदमाश लड़का अपने जीवन में कभी नहीं देखा। और फर्स्ट टाइम आईआईटी में हाईएस्ट मार्क करने वाला लड़का है, जाके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, उसका नाम क्या है, सिद्धिकांत नाम है, आईआईटी जेई 2008 का टॉपर है। अगर आप सोचते हो आप बहुत सीरियस रहोगे जीवन में, कुछ कर पाओगे, नहीं, सीरियस बंदे कुछ नहीं कर पाते जीवन में। मल्टी टैलेंटेड जो होते हैं वही राज करते हैं। अगर आप किसी बात को समझ जा रहे हो ना, कि अगर कोई बोल रहा है, कोई भी वर्ड बोल रहा है, उसको कनेक्ट कर ले जा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग तेज है। और नहीं कर पा रहे हो तो करो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो तुमको बहुत सारे लोग बोलेंगे बहुत सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओगे तो उखाड़ लोगे, कुछ कर नहीं पाओगे, समझ में आ रही बात। जितना ज्यादा तुम चंचल रहोगे, घर में देखा होगा जितने छोटे बच्चे होते हैं, जितने चंट होते हैं बचपन में, वो उतने ही ज्यादा जाके नॉलेजफुल होते हैं। मैं बचपन में खूब बदमाश था, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ। भगवान का दिया हुआ सिर्फ दिमाग है, तभी तो अच्छे मास्टर हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, समझ गए ना? Yes, समझे कि नहीं समझे? हाँ yes, ठीक है। तो घर वालों को भी बताइएगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं तो हमारा मतलब रास्ता इधर से नहीं उधर जा रहा है। हम आपको डेवलप करना चाह रहे हैं, सोचने की क्षमता बढ़ाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका कोई काट ना पाए जीवन में, समझ रहे हो? लड़कियों को इतना ट्रेंड करना है कि उनका कोई हरेसमेंट ना कर पाए। मैंने 100 केसेस हर साल देखता हूँ लड़कियों के साथ ऐसे होते हैं, उतनी वो जागरूक नहीं होती हैं। तुम्हारे साथ भी हरेसमेंट हो जाता है, मुझे पता है। तो हम तुमको उस लेवल पे ट्रेंड करना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई धोखा ना कर सके और तुम उतने सक्षम रहो, हर चीज के बारे में तुम्हें पता रहे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अच्छा शिक्षक वही है जो आपको सब्जेक्ट नहीं सिखाए, जो आपके जीवन के बारे में बताए। सब्जेक्ट तो किताब में भी लिखा है यार, अब तुम लोग बोलोगे कि नंगा नाच करते हैं, इसको नंगा नाच नहीं कहते, इसको कहते हैं जीवन के अनुभव को बताना, समझाना, फील कराना।